तो गाइस ये दोबारा से अभी पकौड़े पकाए जा रहे हैं और अभी ये बन चुके हैं, पहले ये थे, अभी ये अभी रेडी होने वाले हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो अभी रात के बजे 8:30 है, तो अभी व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि आज हम बना रहे थे पकौड़े। आज बारिश बराबर में हो रही है लेकिन हमारे मिट्टू खास में अभी तक बारिश नहीं हुई है, इंतज़ार करके बैठे। लेकिन रेनबो भी दिखाई दिया था, बारिश नहीं आने वाली है, लेकिन मौसम हो रहा है, बराबर में बारिश हो रही है लेकिन हमारे मिट्टू खास में अभी तक बारिश नहीं हुई है। तो आज हमने बनाया था पकौड़े बनाने का प्लान, तो हम पकौड़े बना रहे, सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर की जाए। वैसे रोज़ाना खाना चावल वगैरह हम ही बनाते हैं, लेकिन आज दिल कर रहा था कि छोटा सा मिनी ब्लॉग बनाया जाए, आपके साथ शेयर करता है। होप यू विल लाइक दिस वन। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, सो लेट्स गो टू द साइड ऑफ। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं किचन में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारे मिर्च मसाले वगैरह हमने डाल दिए हैं, ऑनियन डाल दिए, और ये हमारा है छोटा सा किचन। वैसे ऑलमोस्ट बैचलर रहते हैं तो उस वजह से सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट तो करनी चाहिए, बंदा कुछ ना कुछ सीख ही जाता है। जब भाभी आएगी तब नहीं होगी तो खुद ही बना लेंगे, तो उसी वजह से अभी खुद बनाना सीख रहे हैं। तो अभी ये धनिया भाई पानी तो सुखा दिया, पानी है। बहरहाल फिलहाल शुरू करते हैं, और फर्स्ट एक्सपीरियंस है पकौड़े बनाने के, पहले कभी बनाया नहीं है, तो आज सोचा बना ही लेते हैं, कुछ ना कुछ सीख ही जाएंगे। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, डोंट लॉक ऑन मी, ठीक है। किसी को लग रहा था ये क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है, जो भी कर रहे हैं अंदाजे पे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और ये पानी ज्यादा डाल दिया है ना, ऐसे रहेगा नहीं, ज्यादा डाल दिया, सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बैचलर बंदे रह रहे हैं तो उस वजह से कुछ गलत कुछ सही, खाने पीने के लिए चाहिए बस यार, पेट पूजा के लिए बस, बाकी चीजें देखेंगे बाद में, फिर पूजा होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे पोपट उतार और वो इसमें हम जो चाल डालते हैं ना, तो क्या बोलते हैं यार, एक तो चम्मच होता है, हम सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसमें डाल देते हैं, लेकिन जो पकोड़े घुमाने वाला होता है, पता नहीं क्या बोलते, छन्नी बोलते, कुछ ऐसा होता है, हमारे यहाँ पे है ही नहीं, पता नहीं कहाँ रख दिया। तो उस वजह से हमने बराबर में जो हमारे साइड में रहते हैं अली रजा, तो उनसे मांगा है, किशोर भाई लेने गए वहाँ से। तो शुरू करते हैं, अभी ये बन चुका है, आटा तो बन चुका है, अभी रखते हैं जो कढ़ाया है उसमें ऑयल वगैरह डालते हैं, उसको गर्म करते हैं और शुरू करते हैं। अभी यहाँ डालते हैं धीरे धीरे से, तो किशोर भाई ने पहले यहाँ बराबर में डाल दिया उस वजह से। तो बस यहाँ पे तो ये पकौड़े कम समोसे कुछ ज़्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पे भी दूसरे डाल चुके। मज़े वाली बात ये है कि हम पकौड़े बनाने के लिए तीन चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, एक तो ये कर रहे हैं अभी ये घुमाने के लिए, ये पकौड़े निकालने के लिए, और ये भी कभी कभी यूज़ किया जा रहा है जो बराबर में से हम लेके आए। अभी बन चुके हमारे चार पकौड़े, तो इसको हम दोबारा से इसको काट के दोबारा रखेंगे, और अभी ये भी रेडी हो चुके, पकड़ को अभी ऑयल बिल्कुल गर्म हो चुका है, टाइट वाला, तो पहले कच्चे उतार रहे हैं, इसको तोड़ के फिर दोबारा हम डालेंगे इसमें। तकरीबन अभी एक दफ़ा हमने पका लिए हैं पकौड़े, और इनको अभी थोड़ा तोड़ेंगे फिर उसको दोबारा से जोड़ेंगे। तो उसमें क्या होता है कि कच्चे वगैरह ले जाते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस वजह से उसको दोबारा से हम पकाएंगे दोबारा। ऑलमोस्ट अभी दो ही पकौड़े रहते हैं, टोटल तकरीबन 8-10 बने होंगे बड़े बड़े। तो गाइस ये दोबारा से अभी पकौड़े पकाए जा रहे हैं, और अभी ये बन चुके हैं, पहले ये थे, अभी होने वाले। तो अभी खाना आ चुका है, तो अभी कोई नहीं खा रहा, सबके सब डांस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मेरी कंडीशन होती है ख़राब, उस वजह से मैंने खाना शुरू कर दिया। बहरहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब होती जा रही है, अभी गोलियां खा के सो जाऊंगा, फिर टाटा बाय बाय, ध्यान रखिएगा अपना।